रुड़की के बीडीगंज स्थित दिनभर जैन धर्मशाला में रामलीला समिति बीडीगंज के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान इस वर्ष होने वाले भव्य रामलीला मंचन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रुड़की बीडीगंज रामलीला समिति के द्वारा इस वर्ष 104वें मंचन का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा। साथ ही इस वर्ष टीवी कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। यह आयोजन महाकाली शोभा यात्रा से शुरू होकर राम भरत मिलाप पर सम्पन्न होगा। पत्रकार वार्ता में समिति के महामंत्री सौरभ सिंगल ने बताया कि 104वें मंचन का आयोजन इस बार भी भव्य होगा। 11 अक्टूबर को महाकाली की शोभा यात्रा पूरे शहर में घूमेगी और फिर मंचन स्थल पर आकर संपन्न होगी। 12 अक्टूबर को भव्य उद्घाटन नगर के गणमान्य लोगों के बीच होगा और 14 अक्टूबर को तड़का व्रत का मंचन होगा। साथ ही साथ उन्होंने अन्य कार्यक्रमों की भी जानकारी दी है। 104वें वर्ष की यह रामलीला है। हमारे संरक्षक हमारे जैन साहब हमारे साथ में आएंगे, प्रदीप बत्रा जी भी आने वाले हैं, यहाँ पर सुबोध जी अध्यक्ष है हमारे। रामलीला की बार बहुत अच्छी होने वाली है। टीवी कलाकार मुंबई और दिल्ली के सुप्रसिद्ध कलाकार और महिला पात्र में महिला लड़कियां बहुत सुंदर कलाकार यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि जो ये मंच है इसमें जो पुराना रामलीला का जो स्ट्रक्चर होता था उसे चेंज करके ये बिल्कुल टीवी कलाकार जैसे ऐसे लगे जैसे टीवी देख रहे हैं। हमने पहले भी इसका एक्सपेरिमेंट करा तो लोगों ने कहा था कि भैया ऐसा आता है बिल्कुल जैसे टीवी चल रहा हो। रुड़की के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सर्वश्रेष्ठ रामलीला है प्रदेश की। इसका अवार्ड भी हमें मिला था 2019 में और सुंदरता भव्यता और यहाँ बैठने की व्यवस्था सभी को चेयर्स मिलती है। महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे परिवारों से यहाँ पर रामलीला देखने आती है, बच्चे आते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि क्या नाम है तारकावत का जो दृश्य होता है बहुत ही सुंदर। दिल्ली के कलाकार आ रहे हैं, बच्चे देखकर डर जाते हैं, उनको भाग जाते हैं यहाँ से जब बिल्कुल अंधेरा होता है, कालापन होता है, राक्षस निकल निकल के आते हैं।